इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या टॉपिक है? ये टॉपिक है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी लाइंस हैं। मैंने वर्ड जानबूझ के स्ट्रेस देके बोला इमेजिनरी, ये रियलिटी में नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे अगर ये एक प्लेट पॉजिटिव एक नेगेटिव प्लेट है, और मुझे सबको पता है जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैट्स किया हुआ है कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो क्यों प्रेजेंट है? तो किसी ने कहा, अपने डेफिनेशन यूज़ करते हैं कि अगर कोई चार्ज यहाँ पे रखा जाए, मान लो मैंने रख दिया पॉजिटिव चार्ज, तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैसे? प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल, या माइनस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो अगर ये मूवेबल चार्ज है तो ये मूव करके यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, कोई डाउट इसमें? तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए प्लस माइनस बनाना पड़ा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, मैं क्यों बनाऊं प्लस माइनस? ये दो प्लेट्स हैं और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, मैं बता नहीं रहा कौन सी प्लेट पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, और बता रहा हूं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। आप ना कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये भी वाइट पेज है, ये भी वाइट पेज, ये भी, तो कैसे दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है? ठीक है, मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, पर अगर मैं ना बताऊं और एक ऐसे यहां पर या तो वैल्यू लिखूं कि यहां पर ई प्रेजेंट है, कुछ तो मुझे हिंट देना पड़ेगा। अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा रहा कि यहाँ पर इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो मैं सिंपली लाइंस ड्रॉ कर दूंगा कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। तो जहां जहां ये लाइंस ड्रॉ करूंगा, इमेजिनरी है, जस्ट डायग्राम की तरह, जैसे किसी चीज को डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो लाइंस ड्रॉ कर दी। ये लाइंस बता रही है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो मुझे प्लस माइनस भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं अगर लाइंस ड्रॉ कर दूं, मतलब फील्ड प्रेजेंट है, बात खत्म हो गई। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने दोनों यहाँ ड्रॉ की हैं, प्लस माइनस भी ड्रॉ किया, लाइंस भी ड्रॉ की हैं, पर मेरे हिसाब से मैं अगर लाइंस भी ड्रॉ करता तब भी आप समझ जाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई चार्ज रखूँ तो वो कहीं ना कहीं मूव तो करेगा ही करेगा। तो ये पॉइंट क्लियर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो लाइंस हैं इनको ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं, जिसने बनाया उसने ना कुछ रूल्स भी बनाए हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इमेजिन कर लें, रूल जैसे मुझे ड्रॉइंग कर दें लाल पीले पेन से हो गया जी, ने ऐसा नहीं है, इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल ये है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे ही ख़त्म होती हैं। आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते कि इसका एरो कहीं भी बना दूं, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही एरो जाएगा लाइन का, इसका पहला रूल है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर स्पेसिंग इनके बीच में बराबर है, जो दिख रही है सिमेट्री है, बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे रीजन में यूनिफॉर्म है। आप ई की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, या यहाँ मर्जी करें, जहाँ अगर ई 10 है तो पूरे रीजन में 10 10 10 ही आएगा। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बट अगर लाइंस के बीच में स्पेसिंग कम ज़्यादा कर दूँ, जैसे सपोज करो मैं लाइंस को ऐसे ड्रॉ करूँ, यहाँ पर तो मैंने लाइंस बना दी ज़्यादा, बहुत पास पास, ज़्यादा भी और बहुत स्पेसिंग कम कर दी, और यहाँ पर दूर दूर, जहाँ स्पेसिंग पास है वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहाँ स्पेसिंग दूर है वहाँ फील्ड वीक है। तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को भी रिप्रेजेंट करती हैं बिना बोले। डायग्राम भी बता रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म है, डायग्राम बता रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म, ठीक है यहाँ तक। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं। ये जो लाइंस हैं ये सीधी भी हो सकती हैं और ये कर्व भी हो सकती हैं। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि कब ये स्ट्रेट होती हैं, कब ये मुड़ भी सकती हैं हवा में, ऐसा मुड़ती क्यों है इसका रीजन है। तो ये कैसी भी हो सकती हैं, इसलिए इनकी बेसिक डेफिनेशन तो देखो, इसमें बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है मे बी डिफाइंड एज दी पाथ, ये रास्ता है, पाथ है, ये पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है या ये कर्व भी हो सकता है, कैसा भी होगा, सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट। कि अगर ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी और आपने इस लाइन पे कोई पॉइंट ले लिया और आपने उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पे। जैसे सपोज करो ये लाइंस मैंने ये ऐसे ड्रॉ की थी, मैंने कोई भी एक लाइन ले ली, कोई भी एक लाइन पे एक पॉइंट ले लिया,
पॉइंट पे स्केल के साथ टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट तो स्ट्रेट ही बनेगा, तो ये स्ट्रेट बनेगा। अब वो टेंजेंट राइट भी जा सकता था, लेफ्ट भी जा सकता है, क्योंकि लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव है तो टेंजेंट भी राइट की तरफ होगा। तो मैं अगर वेक्टर ड्रॉ करूं इसके ऊपर टुवर्ड्स राइट, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां पर है, टुवर्ड्स राइट है। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने का एक और भी तरीका है मेरे पास, आप यहां प्लस वन रख लो, प्लस वन पे फोर्स कहां लगी, टुवर्ड्स राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, टुवर्ड्स राइट। आप हर बार प्लस वन तो रखोगे नहीं, आप लाइंस के ऊपर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करके बता सकते हो कि वो टेंजेंट राइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट है। अगर ये लाइन सीधी नहीं है, ये लाइन मान लो ऐसे जा रही है, ऊपर की तरफ मूव कर रही थी ऐसे, और आपने इस लाइन पे, इलेक्ट्रिक लाइन पे दो पॉइंट ले लिए पी एंड क्यू, पी पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो स्केल से टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बनेगी, इस पॉइंट पर यहां बनेगी, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रेट या कर्व्ड हो सकती हैं, इनके ऊपर कोई पॉइंट लें, टेंजेंट ड्रॉ करें, वो टेंजेंट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पर, याद रखें। फायदा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन से, फायदा ये है कि इमेजिन करें ये वो पॉइंट है और मैंने इसके ऊपर एक क्यू चार्ज को रख दिया, प्लेस कर दिया, अब क्यू चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और मान लो ये चार्ज मूवेबल है, तो मैं देखना चाहता हूँ ये मूव कहाँ करेगा, तो मैं ये देख रहा था कि अगर मैं अपने पुराना लॉजिक लगाऊं तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो ये राइट जाएगा, और अगर मैं नया कॉन्सेप्ट लगाऊं कि यहाँ पर एक पॉइंट लिया इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पे, उसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट कहाँ आया, वो टेंजेंट राइट आया, तो वो टेंजेंट राइट आया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स क्या है, क्यू इंटू ई, तो जो डायरेक्शन ई की है वही डायरेक्शन एफ की होती है, तो अगर ई राइट है तो एफ भी राइट है, तो मतलब फोर्स एक्सपीरियंस ये कहां करेगा, टुवर्ड्स राइट। जैसे मर्जी आंसर दे लो, प्लस वन करके रख लो, बता देगा ई की डायरेक्शन पता लग सकती है, पॉजिटिव चार्ज वैसे ही पता लग रहा है, प्लस प्लस को रिपेल करेगा तो फोर्स राइट है, और अगर ये नहीं पता लगता तो जस्ट ड्रॉ टेंजेंट, टेंजेंट जहां जा रहा है वही ई है, वही फोर्स है, तो आपका चार्ज पार्टिकल उस टेंजेंट के अलॉन्ग जाने की कोशिश करेगा। जैसे अगर मैंने चार्ज यहां रख दिया क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, इस पॉइंट पर इधर है, तो फोर्स एक्सपीरियंस भी कहां पर है, इधर ही लगेगी। तो ये फायदा है इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का, आप किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को एक मिनट में देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें स्पेसिंग बराबर ली, तो ई इसमें कॉन्स्टेंट है, मैंने क्या पूछ रहे हैं, फाइंड फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज क्यू, तो मुझे बताओ क्यू चार्ज क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आप क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो ये चीज ये बता रही है फॉर्मूला कि ई की और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है जो ऑलरेडी हमें मालूम है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अंदर रूल नंबर वन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सीधी या कर्व हो सकती हैं, कब सीधी कब कर्व है अभी बताऊंगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर कोई भी पॉइंट रखें, टेंजेंट ड्रॉ करें, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक मिनट में पता लग जाएगी, और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी वही फोर्स की भी डायरेक्शन होगी। सिंपल, यहां तक मैंने बताया, पॉइंट चार्ज ही ले रहा हूं मैं, तो क्यू इज अ पॉइंट चार्ज बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉसिबल है, अब ये कह रहे हो कर्व बना हुआ है, दो मिनट मैं आ रहा हूं, ये बनती कैसे है, इसके रूल्स हैं। तो एक काम करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स करते हैं, इन प्रॉपर्टीज से सब पता लग जाएगा, सारे आंसर मिल जाएंगे। पहली प्रॉपर्टी है, ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं लाइंस और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, ये पहला रूल है। तो कोई कहता है ठीक है जी मुझे दिखाओ बना के, मैंने कहा देख ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव पे एंड हो रही है। अगर कहता है जी अगर मान लो है ही पॉजिटिव चार्ज दोनों, मेरे पास तो नेगेटिव है ही नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी, पर आपने कहा था कि रूल नेगेटिव पे पक्का खत्म होंगी, तो इस चार्ज को समझा देना कि होता होगा दुनिया में कोई नेगेटिव चार्ज बहुत बहुत दूर इन्फिनिटी पे, तो आप लाइन बना के छोड़ दें, आप बोलें कि जा तो इन्फिनिटी पे जाके मिल ले, पर ये ना कहें कि ब्रेक होती हैं, इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म करनी है, अब इन्फिनिटी तो मिलेगी नहीं तो ये ख़त्म कर देगा, ये ख़त्म नहीं हुई, आप ये ना बोलिए ब्रेक हुई, ये ब्रेक नहीं हुई, ये कहाँ मिलेंगी एट इन्फिनिटी, कभी तो नेगेटिव चार्ज मिलेगा। ठीक, तो ऐसी अगर अकेला नेगेटिव चार्ज है तो हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी से लाइंस आ रही हैं, इन पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट पे होता होगा, वहां से आते आते नेगेटिव पे आ रही है। सर,
दो मिनट में आ रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, ये थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी में आ रहा है पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। डायग्राम बना हुआ है, प्लस से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी पे जा रही है, माइनस चार्ज है, इन्फिनिटी से आ रही है और नेगेटिव पे खत्म हो रही है। रूल नंबर वन, प्लस 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 माइनस है तो क्लियर है, प्लस प्लस है ये भी क्लियर है, प्लस माइनस है ये भी क्लियर है, प्लस से माइनस आ रही है, प्लस प्लस है दूर जा रही है, बात खत्म। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, टेंजेंट टू फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट दैट पॉइंट। तो ये आपकी लाइंस हैं, आपने एक पॉइंट ले लिया बी पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉ किया तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ए पॉइंट है, टेंजेंट ड्रॉ किया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बात खत्म हो गई। ये भी क्लियर हो गया यहां तक। नेक्स्ट है, दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मतलब आपने पॉजिटिव प्लेट से लाइन निकाल ली, बहुत सारी लाइन निकली, वो हवा में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती आपस में। क्यों? मान लो एक मिनट के लिए कि वो इंटरसेक्ट कर गई, तो उनका कॉमन पॉइंट पी आ गया। तो एक स्टूडेंट कहता है कि मेरे लिए तो लाइन ये रही, तो मैं तो टेंजेंट लाइन के साथ यहां ड्रॉ करूंगा। दूसरा कहता है कि मेरी लाइन तो ये रही, मैं टेंजेंट यहां ड्रॉ करूंगा। पहला कहता है देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, दूसरा कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। ऐसा कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो एक वेक्टर है, उसकी एक ही डायरेक्शन हो सकती है किसी पॉइंट पर, साइमल्टेनियसली दो वेक्टर की डायरेक्शन हो नहीं सकती, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगी। इसलिए ये कभी इंटरसेक्ट करते नहीं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट कर गई लाइंस तो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जो पॉसिबल नहीं है। ये भी क्लियर है यहाँ तक? तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट एट ईच अदर, दिस इज बिकॉज एट इंटरसेक्शन पॉइंट पी देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कैसे? ये जब स्टार्ट होती है तो नॉर्मल 90 डिग्री पे स्टार्ट होती है, और जब ये एंड होंगी तो भी 90 डिग्री पे ही एंड होंगी। तो परपेंडिकुलर बॉडी से स्टार्ट होती हैं, परपेंडिकुलर ही एंड होती हैं, इसलिए तो रास्ते में मुड़ जाती हैं। ये देखो परपेंडिकुलर स्टार्ट हुई तो यहाँ एंड कैसी होनी है 90 डिग्री पे, तो इसको मुड़ना ही पड़ेगा और ये ऐसे बेंड हो जाएगी, तो ये स्ट्रेट नहीं रहेगी, कर्व हो जाएगी। ठीक, तो ये भी रूल क्लियर है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप। या तो होता है सीबीएसई में, क्या ये क्लोज लूप बनाती हैं कि नहीं बनाती? नहीं बना सकती। क्यों? क्लोज लूप का मतलब जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर खत्म होगी, वहीं पर खत्म होंगी। जहां पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव से स्टार्ट होनी है, नेगेटिव पे खत्म होनी है। अगर ये क्लोज लूप बना रही है, इसका मतलब पॉजिटिव भी वहीं पर है और नेगेटिव भी वहीं पर है, जो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर पॉजिटिव नेगेटिव वहीं पर है दे विल कैंसिल ईच अदर। तो या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, दो इकट्ठे एक पॉइंट पर दो चार्ज तो हो नहीं सकते, तो क्लोज लूप ये बना नहीं सकती। प्लस अलग है, माइनस अलग है, तो प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे जाएंगी, क्लोज लूप नहीं बन पाएंगे। क्लोज लूप में प्लस माइनस एक पॉइंट पर होंगे ही नहीं कभी भी। नेक्स्ट है, इन अ चार्ज फ्री रीजन। चार्ज फ्री रीजन क्या होता है? ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, हवा में चार्ज नहीं है, इसको चार्ज फ्री रीजन बोलते हैं। तो अगर पॉजिटिव प्लेट से लाइन स्टार्ट हुई और नेगेटिव पे जा रही है, चार्ज फ्री रीजन ये रहा, इसके अंदर ये कॉन्टिन्यूस कर्व्स है विदाउट एनी ब्रेक। ऐसा नहीं हो सकता, ये प्लस ये माइनस, प्लस से स्टार्ट हो गई, माइनस तक पहुंची नहीं, यहाँ खत्म हो गई। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये तो माइनस है, अगर माइनस ना भी हो तो भी ये नहीं बोलना कि खत्म हो गई, आप बोलना वो इन्फिनिटी पे जा रही है। ये हवा में कभी भी ब्रेक नहीं होती, चार्ज फ्री रीजन में ब्रेक नहीं होती, मतलब जाने की कोशिश कर रही है, वो हो ना हो बात अलग है, तो इसलिए हवा में अपने आप ब्रेक नहीं होगी। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सिंपल वर्ड में, अगर आपके पास कोई बड़ा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, मान लो 10 कूलम, तो उसमें से नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा निकलेंगे, और अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है तो उसमें नंबर ऑफ लाइंस कम एंटर करेंगे। मींस अगर मैं यहां पर बड़ा चार्ज बनाऊं, मान लो 10 कूलम का चार्ज है मेरे पास, तो नंबर ऑफ लाइंस 10 कूलम में से मैं बहुत ज्यादा निकालूंगा, और अगर सिर्फ 2 कूलम चार्ज है तो नंबर ऑफ लाइंस 2 कूलम में मैं कम निकालूंगा। ज्यादा चार्ज ज्यादा लाइंस, कम चार्ज कम लाइंस। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक, हाँ वही होगा, क्योंकि टेंजेंट टेंजेंट करते करते वहीं जाएगा, वो ऐसे जाएगा। और लास्ट, अगर स्पेसिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो अगर आप मुझे दो पॉइंट्स दें, दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर लेनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों पे एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन
अगर यहाँ पर लाइंस पास हैं और लाइंस दूर होती जा रही हैं आपस में, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई एक्स बड़ा है और ई वाई छोटा है, स्पेसिंग खुली होती जाएगी, फील्ड वीक माना जाएगा, स्पेसिंग टाइट होगी, फील्ड स्ट्रांग होगा। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? तो प्रॉपर्टीज क्लियर है। एक क्वेश्चन जैसे आता भी है, पूछ भी लेते हैं कैसे, कि सपोज करो आपके पास कोई भी एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, और ये भी मान लो क्यू चार्ज है, सेम चार्ज है, इसने भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकालनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने भी निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों कोइंसाइड हो सकती हैं, फील्ड ही फील्ड है। इन दोनों चार्जेस के बीच में, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, इन दोनों चार्जेस के बीच में मिड पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फील्ड ही फील्ड प्रेजेंट है क्यू और क्यू का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या होगा? जब पूछा गया तो किसी ने कहा जी प्लस वन रख दो, देख लेते हैं। ये चार्ज इस प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल। और ये चार्ज भी इसे क्या करेगा? सेम वैल्यू से रिपेल, एंड टू वेक्टर्स कैंसिल ईच अदर, और नेट ई की वैल्यू क्या आ गई? जीरो, जीरो वैल्यू आ गई। तो दो चार्जेस के फील्ड हैं, फिर भी दोनों फील्ड होते हुए भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो आ गया, क्योंकि दोनों फील्ड आपस में क्या कर गए? वेक्टर सम कैंसल। तो उस पॉइंट को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में जहां पर क्या कर जाता है? कैंसल। तो उस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन आएगा कि सपोज आपके पास एक चार्ज है, मान लो 10q, बड़ा चार्ज है, एक चार्ज है क्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, एंड आर मिड पॉइंट है, तो क्या ये न्यूट्रल पॉइंट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपस में ई कैंसल नहीं करेगा। करके देख लो, अगर आप प्लस वन रखेंगे तो ये चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। इसका फील्ड बड़ा होगा, और ये छोटा चार्ज इसे क्या करेगा? रिपेल। इसका फील्ड छोटा होगा, आपस में कैंसिल नहीं करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रल पॉइंट राइट की तरफ होगा, यहां पे होगा, या लेफ्ट की तरफ होगा? मिड पॉइंट के राइट होगा या मिड पॉइंट के लेफ्ट होगा? राइट होगा। ऐसा क्यों? डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, ये देखो, ये लोग कह रहे हैं कि अगर मान लो ये अनइक्वल चार्जेस हैं, तो अगर मैं यहां कोई पॉइंट लूं, मैं जितना नजदीक जाऊंगा इसके क्यू के नजदीक जाऊंगा, ये फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा, क्योंकि आर डिस्टेंस कम हो रहा है, और इससे जितना दूर जाऊंगा फील्ड उतना क्या होता जाएगा? वीक होता जाएगा। तो हो सकता है एक ऐसा पॉइंट आ जाए कि यहां पर ये दो वैल्यूज आपस में क्या हो जाए? कैंसल। क्योंकि 10q बड़ा फील्ड लगा रहा है, क्यू छोटा लगा रहा है, तो 10q से दूर ले जाओ पॉइंट, दूर लेके जाओगे तो फील्ड की वैल्यू वहां क्या हो जाएगी? कम। और क्यू के पास ले जाओ तो स्ट्रांग हो जाएगी, और ये आपस में कैंसिल कर सकते हैं। तो शॉर्टकट ये है, अगर चार्जेस बराबर है तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पे है, अगर चार्ज अनइक्वल है और सेम नेचर के हैं तो उस केस में न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड द वीकर चार्ज, टुवर्ड द वीकर चार्ज। ये शॉर्टकट लगाना है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, यहां तक वीकर चार्ज की तरफ ले जाना। और अगर ये प्लस है और ये माइनस है, न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा, माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, दो वेक्टर ऑपोजिट मिलेंगे नहीं तो वो कैंसिल करेंगे नहीं, प्लस माइनस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। क्या यहां तक ये प्रॉपर्टीज क्लियर है? ठीक, तो जितना मैंने लेक्चर दिया उसके बेस पे एक शीट करते हैं।